जिनकी वीडियो बार बार दिखे उसे ट्रेंड कहते हैं। मेरे पीठ पीछे मेरी बातें कर रहे हो डार्लिंग, इसी को ब्रांड कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते और अपने हरियाणा वाले भाइयों से दिल से राम राम। आज मैं कहना कि मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि मैं किसी का फैन नहीं हूँ, मैं अपनी वीडियो का अपना खुद का फैन हूँ। लेकिन आज पहली बार मैं उस बंदे से मिला हूँ जिसके बारे में कई बार वीडियो में बोल चुका हूँ यूट्यूब पे कि इस बंदे से मिलने का दिल करता है, और इस बंदे से मिल के ना जब ओपनली बात करूंगा तब आपको शेयर करूंगा। तो ये हैं वो शख्सियत अब्दुल्ला भाई। तो आज तक थोड़े से क्वेश्चन थे दिमाग में जो आज क्लियर हुए, और कहते ना दिमाग जैसे जट्टों का जट का बंदे का दिमाग होता है ना हाई, तो वो है ना दिल के साफ बंदे जो होते हैं ना एकदम से गर्म हो जाते हैं और एकदम से ठंडे हो जाते हैं, तो इनका नेचर सेम हो जाए। ठीक है, गलत के साथ गलत हैं, अच्छे के साथ अच्छे हैं। सर कुछ बोल लेंगे? बस क्या बोलूं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको तरक्की दे इंशाल्लाह, और हमेशा अपने जो स्टाफ हैं, जो लेबर लोग वर्कर लोग हैं, आप लोगों का साथ इंशाल्लाह, उन लोगों को मदद करो, उन लोगों का साथ रहो इंशाल्लाह, और हमेशा हम लोग साथ इंशाल्लाह बुलंदियों पर जाएंगे। और एम्प्लॉयियों के लिए भी कह दो कुछ? हाँ, एम्प्लॉयियों भी, सब कंपनी वालों भी, बहुत कंपनी जो है रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग को, और लेबर लोगों को भी रिस्पेक्ट करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि हमेशा करते रहें, क्योंकि अगर मजदूर या लेबर या वर्कर एम्प्लॉय हमेशा खुश हैं आपकी कंपनी आगे जाएगी। तो ये है वो शख्सियत जिनके मैं अपनी अब से 4-5 यूट्यूब की वीडियो में बोल चुका हूँ कि भाई जिनका मैं फैन हूँ, कभी ना कभी मौका मिलेगा उनके सामने जाके, क्योंकि ना मैं आपको सिर्फ ज्यादा टाइम से नहीं, सिर्फ 1 या 2 मंथ से फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन बात क्या है कि अब तक ये सिर्फ लोगों को मैं बोलता था मैं अपना फैन हूँ, मैं किसी स्टार का फैन नहीं। पहली बार मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि मैं एक बंदे का फैन हो गया हूँ उसकी बातों से, और वो इंडियन भी नहीं है, पाकिस्तानी भी नहीं है, लेकिन मैं मिलवाऊंगा, अभी उनका सरप्राइज पूरा किया। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं बाद में पूरा करूंगा फुर्सत से, इनका टाइम ज्यादा वेस्ट ना करें भाई, बड़ा कीमती टाइम है, 4:30 बजे के उठने वाले बंदे हैं। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा, और इनके लिए और मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि उस कदम पे हम उस पॉइंट तक पहुंच जाएं कि जब मरें तो दुनिया 4 कंधों पे जाती है, हम 8 कंधों पे जाएं, और पीछे इतनी लंबी लाइन हो कि हर बंदा कहता ना कि दिन में बंदे इंसान कितना भी मेहनत कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन जो वो मरता है ना तो पता चलता है उसने इज्जत क्या कमाई है। मरने के बाद जो लोग उसके साथ खड़े होते हैं ना तो पता चलता है इज्जत क्या कमाई। तो अपने पीछे इतनी बड़ी लंबी भीड़ हो कि देखने वाले कहें कि कोई मरा है, और मरने के बाद भी लोग याद करें, अमर हो जाएगा इंसान। तो मैं याद रखें, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई अब मैं आ गया हूँ अपने ऑफिस, और आज बड़ा भाग दौड़ वाला दिन था। तो कहावत है कि नाम से काम नहीं बनते, काम करो ऐसा कि नाम हो जाए, और जब नाम हो जाए तो नाम बनाओ ऐसा कि तुम्हारा किसी का आगे नाम लेते ही काम हो जाए। तो अब तक आपका सपोर्ट रहा, आपका साथ रहा, और वही जट्टों वाली बात, मुंह पे लपेटा और पट पे हाथ, तो बात में जोर रहेगा, दम रहेगा, एक एक चीज वीडियो में क्लियर करूंगा, और वीडियो में क्लियर होने के बाद एक एक चीज का आंसर मेरी टीम इंडिया वाली एक्टिव होके देगी, और वीडियो बड़ी इंटरेस्टेड है, स्किप करे बिना ध्यान से सुनिएगा ताकि बाद में आपको ये प्रॉब्लम्स ना होगी, भाई ये मिस हो गया, ये चीज़ें रह गई, और ये चीज़ समझ नहीं आई, और आपकी टीम ने, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि टीम के पास मैसेज इतने आ रहे होते हैं कि वो हर चीज़ क्लियर नहीं कर पाती, हर बंदे की कॉल उठा नहीं पाती, तो मैं वीडियो में कोशिश करूंगा इसी में सब चीज़ें क्लियर कर दूं सैलरी के साथ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और जैसे कि वीडियो में स्टार्टिंग में मेरे साथ जो हैं, तो आज उनसे भी मुलाकात हुई और बात बैठ के बड़ी अच्छी खासी डिस्कस हुई लंबी चौड़ी। तो यहाँ के जो लोकल्स हैं उनकी सपोर्ट है और उनका सहारा भी है, और कहते हैं कि किसी को कहते हैं कि जितनी आप इज्जत दोगे बदले में उतनी इज्जत मिलेगी, जितना आप जहर उगलोगे उतना ही आपके खिलाफ लोग जहर उगलेंगे, जितना ही आप किसी को इम्पोर्टेंट दोगे वो आपको उतनी इम्पोर्टेंट देगा, लेकिन बस उस बंदे में इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि वो आपके इम्पोर्टेंट लायक है या नहीं। तो पहला ऑप्शन है आपका, जिस तरह की मैंने कहा था, कार ड्राइवर, ठीक है। सेकंड है आपका बाइक राइडर। थर्ड है आपका इंडोर हेल्पर। फोर्थ आपका किचन हेल्पर। फिफ्थ आपका
मतलब लेबर क्लास को मान लो, स्किल्ड एंड नॉन स्किल्ड, और सिक्स था आपका आजाद वीजा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, एक एक चीज मैं क्लियर करूंगा तो उसमें बहुत सी चीजें आएंगी। जैसा कि आप बोल रहे थे कि भाई टैक्सी की वैकेंसी, अभी टैक्सी के लिए हम हायरिंग नहीं कर रहे हैं भाई, हम अपने लिए हायरिंग कर रहे हैं कार ड्राइवर की। इसमें हम आपका, अगर आप अपनी कंट्री के अंदर बैठे हैं और आपके पास यूएई का फोर व्हीलर का लाइसेंस है, तो हम आपको अच्छा ऑप्शन दे रहे हैं डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का। कार और बाइक का हम डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा दे रहे हैं, ठीक है। इसमें कंपनी आपको कार ड्राइवर में वीज़ा देगी डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, लाइसेंस देगी और आपको 2 मंथ का रहना देगी। फूड दिस लेन में कमेंट नहीं करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा बात, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। अपनी अपनी कैटेगरी देख लीजिएगा और स्किप ना किया करें वीडियो, फिर आप मिसिंग कर देते हैं, फिर आप टीम के साथ बहस करते हैं कि भाई ने ये कहा था। 2 मंथ का रहना इसलिए दे रहे हैं कि क्या था ना कि आप जब इंडिया से, अपनी अपनी कंट्री से, पाकिस्तान से आते हैं, तो आप सिर्फ एक फेस, एक बंदे को देख के आ रहे होते हैं, और मैं आपसे यहाँ पैसा रिसीव करूँ, प्रोसेस कराऊँ और कह दूँ भाई अपना रहने का ठिकाना देख लूँ, भाई दूसरी सिटी में भी चला जाता है बंदा, तो उसको ये नहीं बताता कौन सी गली में जाना है। तो ये फैसिलिटी रूम की जिम्मेदारी हमारी रहेगी 2 मंथ की। फूड इसलिए मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ कि किसी को वेज चाहिए, किसी को नॉन वेज चाहिए, तो भाई इन चीज़ों में मैं सिरदर्दी नहीं लेता। किसी को सुबह दारू चाहिए और किसी को जूस चाहिए। कार ड्राइवर को हम सैलरी देंगे 2500 दिरहम जब लाइसेंस तैयार हो जाएगा, ऑन रोड हम करेंगे, कार हमारी रहेगी, पेट्रोल हमारा रहेगा, प्लस सिम हमारा रहेगा। ये चीज़ें हो गई कार ड्राइवर की। इसमें हम ईएमआई नहीं रखेंगे क्योंकि इतना भाई कार वालों का अपना ईएमआई का बजट नहीं है। ये फुल कैश पेमेंट पे रहेगा, वीज़ा प्लस लाइसेंस का जो खर्चा आएगा वो आपको मेरी टीम पूरा पैकेज भेज देगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमारे पास बाइक राइडर का, बाइक राइडर में हम ईएमआई भी कर रहे हैं और जैसे जैसे पेमेंट करेंगे उस हिसाब से आपका प्रोसेस रहेगा। 20,000 डॉक्यूमेंट्स के साथ, 20,000 आपने एफटीएमबी पे देने हैं, फिर 40,000 आपने लेबर कार्ड पे देने हैं और फिर 40,000 आपने ई वीज़ा पे देने हैं। ये डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आने के बाद जिसको अपनी सैलरी से पैसा कटवाना है, ठीक है, उसकी ईएमआई हो जाएगी। जिसको ये चाहिए कि भाई ईएमआई नहीं चाहिए, कि सिंपल सी बात, अगर मैं आपके ऊपर लाइसेंस 5,000 लगा रहा हूँ तो 7,000 आपका डिटक्शन होगा, 1,000-1,500 हर बंदे को चाहिए फिर ऊपर। अगर आपको लगता है कि भाई मैं इतना नहीं कटवाना, मेरे पास है बजट, तो सिंपल सी बात है, आप लाइसेंस का जो पेमेंट बनता है 5,000 के समथिंग लमसम का, वो आप डायरेक्टली यहाँ आके कैश दें, स्टार्ट करें प्रोसेस, फिर उसमें आपका सैलरी से कुछ नहीं कटेगा। तो ये दोनों पैकेज हैं हमारे पास बाइक राइडर में, ईएमआई का भी और कैश पेमेंट का भी। अब बात करते हैं बाइक राइडर की सैलरी का। फिक्स में अगर हमारे पास लड़का काम करता है, नया लड़का है, 2500 सैलरी प्लस 300 पेट्रोल का मिलेगा। जब लड़का पुराना हो जाएगा तो उसका 2800 सैलरी प्लस 400 पेट्रोल का हो जाएगा। और अगर तालाबाद में जाता है तो 7.5 दिरहम होता है, करीम में अलग सिस्टम है, हर जगह अलग अलग प्रोसेस होता है कि किस तरह कमाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये दूसरी चीज़ आपकी होगी क्लियर बाइक राइडर्स की, ये भी आपके पास हमारे पास जो है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, ठीक है। और इसमें मैं स्पेशली इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, अफ्रीका, मतलब अदर कंट्रियों के लिए सबके लिए, सिर्फ पाकिस्तानी के लिए थोड़ा होल्ड करूंगा। इसमें हम सिर्फ 10% कोटा अपना पाकिस्तान के लिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये क्या कह रहे थे, स्ट्राइक की वजह से थोड़ा सा माहौल बिगड़ा हुआ है पाकिस्तानी बाइक राइडरों के लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इंडोर हेल्पर। दो चीज़ क्लियर हो गई है, दोनों डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है, मैं अपने लिए हायरिंग कर रहा हूँ। इंडोर हेल्पर यह है प्लेसमेंट, ठीक है। जिस दिन अभी हम इस पर प्रोसेस कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं कि शायद हम अपने वीज़ा को भी लड़के बुलाएं, तो लेकिन अभी नहीं है, अभी प्लेसमेंट है, किसी और कंपनी के लिए ही है। इंडोर हेल्पर में 1000-1200 दिरहम सैलरी है, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, ये सब चीज़ें कंपनी की तरफ से रहेंगी। 1000-1200 सैलरी है प्लस ओवर टाइम, ठीक है। इसका जो पैकेज है वो आपका 70,000-80,000 के बीच का रहेगा। मैं ओपन कर देता हूँ, हाफ पेमेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ, हाफ पेमेंट आपने दुबई आके देनी होती है। इसमें विजिट टू एम्प्लॉयमेंट रहेगा, ठीक है। अब हेल्पर का, इंडोर हेल्पर का मतलब बता देता हूँ आपको, ऐसा नहीं है कि भाई एक किसी कंपनी के अंदर कुछ भी काम हो सकता है, जहाँ पे भी हेल्पर की जरूरत है वो करना पड़ता है। जैसा कि आपने इंडिया में किसी कंपनी के अंदर काम किया होगा, ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया क्लियर विद पेमेंट के साथ मैंने बता दिया। इसमें किचन हेल्पर में भी 1000 सैलरी है, फूड, रहना सब कुछ कंपनी की तरफ से रहेगा। ये भी सेम उसी इंडोर हेल्पर का पैकेज है, उसमें भी हाफ पेमेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ, ये भी विजिट टू एम्प्लॉयमेंट है। स्किल्ड वर्कर की बात कर ले, जैसे इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, कारपेंटर, इस तरह का जिनको किसी काम की नॉलेज है, जो कारीगर बंदे हैं,
उसमें आपकी सैलरी जो हो जाती है 1200 से स्टार्ट हो जाती है। इलेक्ट्रीशियन जैसे दो तरह के होते हैं, एक फोर पैनल ड्राइंग वाला होता है, एक मेंटेनेंस वाला होता है। मेंटेनेंस की 1400-1200 से स्टार्ट हो जाती है सैलरी, और फोर पैनल ड्राइंग वाले की सैलरी 1500 से 2000-2500 तक भी चली जाती है उसके काम के और नॉलेज के हिसाब से, ठीक है। तो ये आपका विजिट एम्प्लॉयमेंट रहेगा सेम 70,000-80,000 के पैकेज में, सेम हाफ पेमेंट। मतलब ये जो विजिट एम्प्लॉयमेंट है, इंडोर हेल्पर, किचन हेल्पर, वेटर, क्लीनर, स्किल वर्कर, ये हाफ पेमेंट इंडिया के अंदर, हाफ पेमेंट दुबई आके, जिसमें विजिट टू एम्प्लॉयमेंट रहेगा, वीजा, टिकट, एयरपोर्ट से पिकअप, और जब तक आपको जॉब नहीं मिलती तब तक हमारी तरफ से रूम, ये सब चीजें हम प्रोवाइड कराएंगे। सिक्स्थ चीज कर देता हूं मैं, आजाद वीजा। आजाद वीजा का अभी मार्केट में क्या चल रहा है, बड़ा हवा चल रहा है, और बंदा आजाद वीजा कर रहा है। तो आजाद वीजा के कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो पूरी बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूं आजाद वीजा का बेनिफिट क्या है। कि अगर हेल्पर हैं आप और आपको 1000 सैलरी 1200 मिल रही है, लेकिन आपके पास अगर अपना खुद का वीजा, तो वही सैलरी आपको 1500 से 2000 के समथिंग मिलती है, ठीक है। प्लस आप उस कंपनी के गुलाम नहीं होते, आप जब तक आपका दिल करे तब तक काम करें, उसके बाद आपको अगर उससे अच्छा ऑप्शन मिल रहा है तो आप उस पर जा सकते हैं। तो आजाद वीजा का ही है। आजाद वीजा का जो प्राइस है मैं ओपनली कर देता हूँ, 8,500 लेबर क्लास का है और 9,500 डिग्री वाला है, जैसे कि सुपरवाइजर, मैनेजर, एचआर मैनेजर, इस तरह के जो वीजा है, जिसमें हमारा जो अच्छी कैटेगरी के वीजा लेते हैं उसमें सैलरी अच्छी रखवा लेते हैं लोग, प्लस अपना लाइसेंस बनवा लेते हैं यहाँ के ट्रक का, बाद में यूरोप मूव कर जाते हैं, तो ये उनके लिए फायदा है। वाइट कॉलर जॉब वाले ज़्यादातर आजाद वीजा लेते हैं कि भाई मैं किसी कंपनी में काम करना है और मेरा खुद का वीजा हो और मैं अच्छी सैलरी पे काम कर सकूं। ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो वीडियो में शेयर कर दी, लंबी हो जाएगी। कार और बाइक राइडर का मैंने चीज कर दिया। इंडिया की टीम एक्टिव है, सुबह 10 से 5 के बीच में कॉल करें, और अगर आपको कॉल बिजी आ रही है तो व्हाट्सएप कर लें, व्हाट्सएप रिप्लाई ना दोबारा कॉल कर लिया करें जनाब। और अगर आपके लगातार कॉल करने पे भी आपका एक दिन दो दिन आपका रिप्लाई नहीं आ रहा कॉल करने पे भी, तो आप एक कमेंट्स में टीम मेंबर का नंबर लिखें, हैशटैग डालें, और फिर अपने लास्ट के 5 नंबर लिखें कि मैंने इस नंबर पे अपने इस लास्ट के 5 नंबर पे वीडियो आपको व्हाट्सअप किया है। अपना पूरा नंबर ना लिखा करें, फिर वहाँ पे मेरे जैसे फेक नाम से विजय बन जाते हैं और कहते हैं आपका नंबर उठा के, भाई मैं विजय बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें ध्यान रखा करें, जब आपका नंबर आप कमेंट्स में डालते हैं तो लास्ट के 5 नंबर डाला करें, अपना पूरा नंबर ना डाला करें, नहीं तो फेक विजय मार्केट में बहुत घूम रहे हैं, वो फ़ायदा उठा सकते हैं। और यही चीज़ थी, पैसा इम्पोर्टेंट है लाइफ में, और किस वे में आपको जाना है वो वे आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा चाहे कम कमाए, अच्छा कमाए, लेकिन कहते हैं ना कि जब पैसा जेब में होता है तो लोग सुनते हैं, नहीं तो कहते हैं ना कि जब आपने रोड पे गरीब भी देखा होगा भीख मांगते हुए तो उसको देख के बंदे गर्दन घुमा लेते हैं। तो ऐसा फ्यूचर में आपके साथ ना हो, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।